जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ गया हूं, जो कि बिहार होमगार्ड भर्ती 2009-2011 नवादा जिला होमगार्ड अभ्यर्थियों का फाइनली फिजिकल का डेट जारी कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप 2009 में आवेदन किए थे या 2011 में आवेदन किए थे, तो दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी आ गया है और 16 मार्च से आपके जिले में दोस्तों भर्ती शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों, ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, आप अपना कैसे डेट चेक कर सकते हैं कि आपके प्रखंड का कब फिजिकल होने वाला है, कितने बजे आपको रिपोर्टिंग करना है, कौन सा ग्राउंड आपको फिजिकल के लिए बनाया गया है, ए टू जेड जानकारी दोस्तों मिलने वाली है। जिनके पास पावती रसीद नहीं है, वह कैसे फिजिकल के लिए जा सकते हैं, दोस्तों जो भी मन में आपका डाउट है, सब कुछ क्लियर करके इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, मैं बहुत से जिले के होमगार्ड बहाली का कवर किया हूं और मेरे चैनल पर आप सभी ने वीडियो भी काफी देखे होंगे जो कि होमगार्ड भर्ती से संबंधित है। तो दोस्तों, अगर आप भी नवादा जिला के होमगार्ड अभ्यर्थी हैं, महिला है या पुरुष है, तो जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, आप सभी ने इस भर्ती के लिए बहुत सालों से इंतजार किया है, जो कि इंतजार की घड़िया दोस्तों समाप्त भी होने वाली है। और दोस्तों, यह वीडियो देख के जाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों, मेरा 100% गारंटी है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहे, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, क्योंकि यहां पर जो भी जानकारी दी जाती है बिल्कुल सही और सटीक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी जानकारी को जानते हैं। दोस्तों, आप अपने प्रखंड का फिजिकल डेट और डिटेल्स में सभी जानकारी जानने के लिए सिंपल सा दोस्तों इस नोटिस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 2-4 ऑप्शन आ गया, इसमें भर्ती वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, दूसरा आपको ऑप्शन पर नहीं क्लिक करना होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक और पेज ओपन होकर आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, हम हिंदी में इसे करके आप सभी को समझाने वाला हूँ दोस्तों। देख सकते हैं जो कि कार्यालय जिला समादेष्टा नवादा विज्ञापन संख्या 2009 और 2011 के विरुद्ध शारीरिक योग्यता परीक्षण एवं चिकित्सा परीक्षण हेतु सूचना, यानी दोस्तों फिजिकल और मेडिकल के लिए यह नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस को देखने के लिए दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, देखे जो कि 2 MB का PDF भी आपको जारी किया गया। इस PDF के लिए दोस्तों यहां पर सिंपल सा क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार से नोटिस ओपन होकर आ जाएगा, जो कि संग्रहालय नवादा बिहार गृह रक्षक वाहिनी कार्यालय, यानी दोस्तों आपको बिहार गृह रक्षक कार्यालय द्वारा यह नोटिस आया है, जो कि दोस्तों आपको सुबह 6 बजे यहां पर ITI मैदान में दोस्तों जहां पर फिजिकल होगा रिपोर्टिंग करना है। जो भी अभ्यर्थी महिला है या पुरुष है, आपको सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग करना है, जो कि ITI मैदान आप सभी को भर्ती के लिए चुना गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को ग्राउंड और टाइम भी याद रखना होगा। सबसे बड़ी बात है कि जो भी प्रखंड के अभ्यर्थी हैं और जो आपका डेट दिया गया है, उसी दिन दोस्तों आप सभी को जाना होगा, नहीं तो दोस्तों आपको फिजिकल में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा, आपका जो उम्मीदवारी है वो भी रद्द हो सकता है। इसलिए दोस्तों आपका जो टाइम है और डेट है, उसी दिन जाइए और अपना फिजिकल दीजिए। दोस्तों, कोई भी दिक्कत है तो हमें संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 2009 विज्ञापन संख्या 01-2009 के अभ्यर्थियों का 16 मार्च से फिजिकल है, जो कि नवादा सदर और शहरी एवं रजौली प्रखंड के अभ्यर्थियों का फर्स्ट दिन 16 मार्च का फिजिकल है, जो कि 2009 अभ्यर्थियों के लिए। दोस्तों 2009 का फिजिकल आपको 16, 17, 18 और 19 तक चलने वाला है। अपने प्रखंड का डेट एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 2011, यानी 2011 में जितने भी अभ्यर्थी आवेदन किए थे उनका 20, 21, 23, 24, 25, 26 और दोस्तों लास्ट दिन सभी महिलाओं के लिए फिजिकल है। दोस्तों अगर आप महिला उम्मीदवार हैं तो आप सभी का फिजिकल 27 मार्च सोमवार का होने वाला है। अगर आप 2009 में आवेदन की थी या 2011 में, सभी का फिजिकल आपको 27 को होने वाला है। तो एक बार आप लोग अपना फिजिकल का डेट चेक कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप फिजिकल में जाते हैं तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है। सभी
अभ्यर्थी को ओरिजिनल प्रमाण पत्र यानी मूल प्रमाण पत्र भी ले जाना होगा, जिसमें दोस्तों आपको अस्थाई निवास प्रमाण पत्र यानी दोस्तों आवासीय प्रमाण पत्र, आपका योग्यता प्रमाण पत्र, जिसमें आपको आयु उम्र प्रमाण पत्र यानी जैसे अगर आप मैट्रिक पास किए होंगे तो मार्कशीट ले जाइएगा तो उस पर आपका जन्म तिथि होता है उससे मिलान कर लिया जाएगा। अगर आपको जाति लगता है, अगर आप एससी एसटी या ओबीसी हैं तो जाति प्रमाण पत्र ले जाइएगा, आधार कार्ड ले जाइएगा, हाल का खिंचा हुआ 6 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाइएगा, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यह सब कुछ आपको लेकर जाना है। उसके बाद दोस्तों साथ में पावती रसीद है तो जरूर लेकर जाइएगा, नहीं है जो अभ्यर्थी इस वीडियो में बने रहे लास्ट में बताएंगे जिनके पास पावती रसीद नहीं है वह कैसे भर्ती में जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहां पर पावती रसीद, आधार कार्ड या सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, सुबह 6 बजे ITI मैदान में आपको उपस्थित होना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर नीचे में आ जाइएगा तो आप सभी के अगर कोई त्रुटि है दोस्तों, आपको कुछ गलत है तो 10 मार्च 2023 आप सभी का समय दिया गया है जो कि कार्यालय अवधि तक जिला समादेष्टक कार्यालय में आप जो भी आपत्ति है, जो भी आपका गलत है उसके लिए एक प्रूफ लेकर जाइएगा तो वहां पर सुधार हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप सभी का कोई समय नहीं दिया जाएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लिख दिया गया है दिनांक 10 मार्च 2023 के पश्चात किसी भी आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको 13 मार्च 2023 का उस आपत्ति का निराकरण करके यानी फाइनल फ्रेश सूची भी जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहां पर इसी प्रकार से फिजिकल देने जाइएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर नीचे में देख सकते हैं जो मैं बार बार अपने वीडियो में बताया हूँ कि जो आधार कार्ड से आपको बायोमेट्रिक होगा यहाँ पर दे दिया गया है, आपको आधार से बायोमेट्रिक जाँच होगा। तो दोस्तों आपको सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग करना है, उसके बाद 9 बजे के बाद दोस्तों आपको बंद कर लिया जाएगा गेट। इसलिए दोस्तों आप लोग सभी डॉक्यूमेंट और आप अपना पावती रसीद, दोस्तों जिसके पास पावती रसीद नहीं है वह अभ्यर्थी मास्टर चार्ट डाउनलोड कर लीजिए और उसी को लेकर जाइएगा, आधार कार्ड और सभी डॉक्यूमेंट लेकर तो आपको फिजिकल देने दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप नहीं डाउनलोड लेकर जाते हैं तो आपको फिजिकल नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों और कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही अंदर जाइएगा तो बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक होने के बाद दोस्तों सारी डिटेल आपको एक कंप्यूटर में डाल दिया जाता है, उसके बाद आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है, उसके बाद रनिंग ग्राउंड पर ले जाया जाता है जहाँ से दोस्तों आपको 1600 मीटर का रनिंग 6 मिनट में क्वालीफाई करना है। 6 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप रनिंग पास होते हैं तो हाई जंप 5 नंबर, लॉन्ग जंप 5 नंबर और गोला फेंक 5 नंबर का होगा जो कि 15 नंबर का फिजिकल होगा। अगर इसमें दोस्तों आप 12 से 13 नंबर या 11 से 12 नंबर लाते हैं तो पक्का आप सभी का सलेक्शन हो जाएगा क्योंकि दोस्तों इससे ज़्यादा कहीं का मेरिट अभी तक नहीं बना है। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए और आप होम गार्ड एक जवान बनकर देश सेवा राज्य सेवा कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।